लिए आप सभी तैयार हों। रिलैक्स होकर बैठ जाएं किसी भी आसन में, सिद्धासन, पद्मासन, भज्जासन या किसी भी आलती पालती मारकर किसी भी तरह से आप बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। और हाथ जोड़कर उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे समस्त देवी देवताओं, हे मेरे गुरुजनों, हे समस्त दिव्य संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में मेरे हाथों में प्रवाहित हों। मैं इस ऊर्जा का प्रयोग अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए और आनंद करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए हथेलियों को रब करें, गर्म करें। दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ें और गर्म करें। दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ कर गर्म करें। तेजी से हथेलियों को गर्म करें, लगातार रगड़ते रहें। आंखों को बंद रखेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे, केवल हाथ की हथेलियों को रब करते रहेंगे। पूरे अभ्यास में आपको आंख नहीं खोलनी है। शरीर को कोशिश करनी है कि रुका रहे, हिले ना। हथेलियाँ गर्म हुई। दोनों हाथों के हथेलियों को कप की तरह बनाकर 3 से 4 फुट की दूरी तक खोल लें और फिर धीरे धीरे उनका गैप कप करें और देखें कि कहां पर एंटी प्रेशर पड़ रहा है। जहां पर भी लगे कि आपको एंटी प्रेशर शुरू हो गया है, अपने दोनों हाथों को उसी स्थिति में सिर के ऊपर ले जाना है। ठीक उसी स्थिति में अपने सिर के ऊपर ले जाना है और महसूस करना है ऊर्जा को, कि आपके हाथों की जो ऊर्जा है वो अब सिर की ओर जाने लगी है। जो हथेलियों को कप की तरह बनाया था उनका रुख सिर की तरफ हो और फिर सिर से धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर लाते हुए कुछ सेकंड आज्ञा चक्र पर रोकें, वहाँ एनर्जी को महसूस करें जाता हुआ। फिर थोड़ा सा नीचे कंठ चक्र पर लाएं, वहाँ पर एनर्जी जाते हुए महसूस करें। कंठ चक्र से हृदय चक्र पर, वहाँ भी एनर्जी का एहसास करें। हृदय चक्र से मणिपुर चक्र, नाभि चक्र पर, वहाँ भी एनर्जी का एहसास करें। नाभि चक्र से सिद्धिष्टान चक्र पर, वहाँ भी एनर्जी का एहसास करें। सिद्धिष्टान चक्र से मूलाधार चक्र पर, वहाँ भी एनर्जी का एहसास करें। अब वहाँ से दोनों पैरों की ओर नीचे की ओर तलवों तक ले जाते हुए महसूस करते हुए काल्पनिक रूप में कि आपकी ऊर्जा हथेलियों के साथ नीचे पैरों के पंजों तक तलवों तक जा रही है। अब इसी प्रकार नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं, पैर के पंजों से पैरों के ऊपर की ओर, मूलाधार चक्र, सिद्धिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र। ये एक राउंड पूरा हुआ। सहस्त्र चक्र से शुरू करके सहस्त्र चक्र पर आकर पूरा राउंड हो जाता है। इस तरह के 7 राउंड आपको बनाने हैं। तो दूसरा राउंड शुरू करें। सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, रोकना नहीं है, सीधे धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाते जाएं और एनर्जी को महसूस करते जाएं।
कंठ चक्र से हृदय चक्र, हृदय चक्र से सुदिशान चक्र, हृदय चक्र से मणिपुर चक्र, नाभि चक्र और नाभि चक्र से सुदिशान चक्र और सुदिष्टान से मूलाधार चक्र और फिर दोनों पैरों के तलवों तक। धीरे धीरे हाथों को काल्पनिक रूप में पैरों के तलवों तक ले जाएं और फिर नीचे से ऊपर की ओर लगातार पैरों से मूलाधार चक्र, मूलाधार से सुदिष्टान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, इस प्रकार लगातार 5 या 7 बार जो आप करते हैं तो आपकी पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है, आप ऊर्जावान हो जाते हैं, आपके अंदर के रोग खत्म होने लगते हैं। दूसरों को अगर हील कर रहे हैं तो दूसरों के भी रोग खत्म होने लगते हैं। इस ऊर्जा को लगातार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हाथों को ले जाते हुए महसूस करें। बिना रोके सीधे ऊपर से नीचे ले जाएं और फिर नीचे से ऊपर ले जाएं धीरे धीरे। महसूस करते रहें हाथों के साथ ऊर्जा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जब आप हाथों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो ऊर्जा की लहर ऊपर की ओर जा रही है, जब नीचे ला रहे हैं तो नीचे की ओर। महसूस करते रहिए, फील करते रहिए। अब इन्हीं एहसासों के साथ चेतना में वापस आएंगे। 2 गहरे लंबे श्वास भरें शरीर के प्रति जागृत हो जाएं, श्वास के प्रति जागृत हों। अब हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं और परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने आपके शरीर को ऊर्जा से भर दिया। और परमात्मा को धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे पितृदेव, हे समस्त देवियों, देवताओं और ऋषिगणों, आप सभी सकारात्मक ऊर्जा रूपी शक्तियों मेरे अंदर समाहित हों और मैं जब ऊर्जा का प्रयोग करूं उस समय पर आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर समाहित हों। ऐसी प्रार्थना करते हुए हाथों को जोड़ते हुए सर को झुकाएं और महसूस करें वो समस्त दिव्य शक्तियाँ आपको ऊर्जा दे रही हैं। ऐसा एहसास करते हुए समझ सकते हैं आपको आशीर्वाद रूपी ऊर्जा को दे रही हैं और दोनों हथेली को अवरब करें, गर्म करें, दोनों आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे चेतना में वापस आते हुए आँखों को खोल लें। तो आज का अभ्यास इतना ही।